आज 2 अक्टूबर को गांधी के और कस्तूरबा गांधी के 150 बरस पूरे होने और 151वां वर्ष शुरू होने का मौका है। किसी जिंदगी के 150 साल तक हम लोगों के बीच में उपस्थित रहने का ये अनूठा उदाहरण है। ज़्यादातर स्त्री पुरुषों का शरीर 100 बरस के पहले शांत हो जाता है, देहावसान हो जाता है और शरीर के गुजर जाने के बाद फिर उसके विचार और उसके कर्म से उसका अस्तित्व बचा रहता है। कुछ लंबे दौर तक याद आते हैं और कुछ पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद भुला दिए जाते हैं। हर परिवार की स्मृतियां अपने दादा परदादा के आगे नहीं जा पाती। हालांकि हम सब अपने दादा दादी नाना नानी की ही संतान हैं, लेकिन उनसे पीछे की कहानी याद नहीं रहती, कोई कुछ भी उल्लेखनीय नहीं बचता है। गांधी 1869 में पश्चिम भारत के एक छोटे रियासती माहौल में पैदा हुए थे। कस्तूरबा का भी जन्म 1869 का गुजरात का ही था। वो दोनों तरुणाई में ही पति पत्नी बन गए थे और कस्तूरबा 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन की एक सत्याग्रही के रूप में जेल में गुजर गई। बंदी जीवन में उनका अंत हुआ। गांधी उनके मृत्यु के 5 साल बाद भी जीवित रहे, लेकिन 1948 में भारत की आज़ादी के कई महीनों बाद एक भारतीय हिंदू के हाथों हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भारत की जनता को बराबर सचेत करने के आरोप में मार दिए गए। हिंदू मुस्लिम एकता की वेदी के लिए रचना के लिए गांधी शहीद हुए। गांधी का जीवन 3 महाद्वीपों से गुजरा। भारत में उन्होंने जन्म लिया, एशिया में किशोरावस्था तक यहाँ बड़े हुए, युवावस्था में वो इंग्लैंड यूरोप में पढ़ने गए। लंदन से वकालत पढ़ने के बाद फिर वो 20 बरस तक अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका देश में सार्वजनिक जीवन में एक वकील से उनकी यात्रा शुरू हुई और एक महात्मा के रूप में वो भारत में 1915-16 में लौटे, जब दुनिया प्रथम विश्व युद्ध में उलझी हुई थी। 1916 से 1948 उनके जीवन के बेहतरीन वर्ष थे, जिसमें उन्होंने देश को और दुनिया को एक नई दिशा दी, जिसका सारांश सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह कहा जा सकता है। गांधी ने दुनिया को असत्य से सत्य की तरफ, हिंसा से अहिंसा की तरफ, शस्त्र बल से सत्याग्रह की तरफ जाने का संदेश दिया। गांधी ने दुनिया में स्वतंत्रता, बंधुत्व, समता, न्याय और सहयोग का सपना दिया। स्वराज को उन्होंने सारी मानवता की जरूरत बताया और विश्व शांति को उन्होंने मानवता का सपना बताया। गांधी के बारे में 3 सवाल बहुत दिलचस्प हैं। पहला सवाल तो यही है कि आज 2020 में गांधी के मारे जाने के 70 साल बाद गांधी की चर्चा क्यों करें, उससे हमें क्या हासिल होगा। दूसरा सवाल ये है कि गांधी महानायक थे, ऐसा सब कहते बताते जानते हैं, लेकिन गांधी अनूठे किस्म के महानायक थे, तो उनके नेतृत्व की क्या खूबियां थी और उसका आज की जिंदगी में जो तरह तरह के नेता हैं उनसे तुलना करते समय उसकी क्या प्रासंगिकता है, गांधी के नेतृत्व शैली की, कार्य पद्धति की, क्या वो हमारे लिए आज कोई सबक देती है। और तीसरा सवाल ये है कि दुनिया में भारत एक बड़ा राष्ट्र जरूर है, लेकिन भारत दुनिया की सभी बड़ी समस्याओं से पीड़ित राष्ट्र भी है। गरीबी, गैर बराबरी और सबसे बढ़ करके बहुत तेजी से बिखरता हुआ हमारा सामाजिक जीवन, अनेकता में एकता के खिलाफ बढ़ रही प्रवृत्तियां, बिखराव का संकट, एकता का संकट। आइए पहले सवाल को देखें कि 2020 की दुनिया में गांधी के जीवन और कर्म से हमें क्या हासिल हो सकता है। गांधी ने अपने को
एक सहज बच्चे से बहुत ही समस्याग्रस्त किशोर और समस्या पीड़ित किशोर से एक आत्मविश्वासी प्रौढ़ में बदलते देखा। गांधी के जीवन में असत्य की भरमार थी, असफलताओं का अंबार था और अविश्वास का बोलबाला था। वो अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने चरित्र के बारे में अन्य मित्रों की तुलना में कमजोर पाते थे। आत्मविश्वास विहीन किशोर के रूप में उनका विवाह हुआ और अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए देश की बजाय उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति भारत पर राज करने वाले इंग्लैंड के लंदन में कानून सीखने की जिद सी पकड़ी। इसके लिए उनको अपनी जाति पंचायत से बाहर निकाला गया। उन्होंने जाति का विरोध करते हुए उच्च शिक्षा का सपना पूरा किया। लेकिन अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान गांधी ने पश्चिमी सभ्यता का जो शिखर था, ग्रेट ब्रिटेन, जिसके राज में सूरज नहीं डूबता था, जो दुनिया की औद्योगिक शक्तियों का नायक था और पूरे विश्व के अधिकांश हिस्से पर जिसका साम्राज्य था, एशिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका आज़ाद तो हो गया था लेकिन कई मानों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, इनके ऊपर सांस्कृतिक वर्चस्व तो इंग्लैंड का ही था। और वहाँ उन्होंने उस सभ्यता के अंतर्विरोधों को देखा। वहाँ उन्होंने शाकाहारी आंदोलन से संबंध बनाया। वहाँ उन्होंने सर्वधर्म संभाव वाली प्रवृत्तियों से जुड़े थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे संगठनों के संपर्क से कुछ बुनियादी बातों को सीखा। गांधी जब पढ़ाई पूरी करके जीविका की तलाश में निकले, भारत में वो असफल रहे और बहुत जल्दी कुछ ही वर्षों के अंदर वो दक्षिण अफ्रीका में अगले 20 बरस के लिए एक भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला के कानूनी सचिव के रूप में काम करने के लिए गए। वहाँ उनका साक्षात्कार दुनिया के अलग अलग धर्मों से हुआ। दादा अब्दुल्ला के जरिए उनको इस्लाम की समझ मिली, अन्य मित्रों के जरिए वो ईसाइत को समझ सके, यहूदी धर्म का परिचय हुआ और इसी के समानांतर उनकी अपनी जिज्ञासा, उनके अपने जन्म के धर्म हिंदू धर्म और उससे जुड़े जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य मतों के बारे में बढ़ी। इस आध्यात्मिक यात्रा में उनको श्रीमद् राजचंद्र नामक जैन चिंतक साधक महात्मा, लियो तोलस्टॉय जैसे विश्वविख्यात रूसी चिंतक रचनाकार और जॉन रस्किन जैसे नई दुनिया बनाने के दिशा में सोचने वाले समाज सुधारक की रचनाओं का साक्षात्कार हुआ। उनको हेनरी डेविड थोरो नामक अमरीकी द्वारा प्रतिपादित सिविल डिसोबीडियंस या सिविल नाफरमानी के प्रयोग की भी जानकारी हुई और इन विचारों के साझे परिणाम स्वरूप गांधी का रूपांतर हुआ। एक सफल संपन्न वकील से वो तत्काल एक आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, श्रमजीवी मनुष्य के रूप में बनने के लिए निकल पड़े। उसमें उनको सहयोगी भी मिले, प्राणजीवन मेहता, कैलन बाक, फादर डोक, कस्तूरबा गांधी। उस समय गांधी ने अपने जीवन परिवर्तन प्रयोग में आध्यात्मिकता को सामाजिकता से अलग नहीं किया। अक्सर आप देखते हैं कि जब धर्म का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर बढ़ता है तो वो समाज से कट जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। इसके उल्टे गांधी आध्यात्मिकता की अपनी यात्रा में सामाजिकता की तरफ बढ़ते चले गए और इस प्रक्रिया में उन्होंने विभिन्न धर्मों के गुणों को पहचाना और सर्वधर्म समभाव का दर्शन विकसित किया। उन्होंने पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के भयंकर रूपों को भारत और दक्षिण अफ्रीका में देखा और पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विकल्प की तलाश के लिए प्रवृत्त हुए। उन्होंने मशीनी और औद्योगिक सभ्यता की सीमाएं पहचानी और कृषि और पशुपालन आधारित सभ्यता के सुधार की जरूरत को महसूस किया। उन्होंने हिंसा के खिलाफ हिंसा या हिंसक अन्यायों के खिलाफ कायरता और चुप्पी
इन दो विकल्पों से आगे एक तीसरा, अन्याय के खिलाफ न्याय और असत्य के खिलाफ सत्य और हिंसा के खिलाफ अहिंसा का सामूहिक आचरण करने का प्रयास शुरू किया। और इसी से एक नई पद्धति का दक्षिण अफ्रीका के सड़कों और गांवों और शहरों के बीच से जन्म हुआ, जिसको सत्याग्रह के रूप में आज दुनिया जानती है, सिविल डिसोबीडियंस। गांधी इस सत्याग्रह के औजार के जरिए भारतीयों के आत्मसम्मान की लड़ाइयों में प्रभावशाली विजय हासिल करते रहे और उससे उनकी ख्याति इंग्लैंड से लेकर भारत तक में फैली। फिर 1915-16 में दक्षिण अफ्रीका में 20 बरस सार्वजनिक सेवा में बिताने के बाद वो सपरिवार भारत लौटे, भारत माता की सेवा की इच्छा से। इसमें उनको गोपाल कृष्ण गोखले जैसे राष्ट्रीय नेताओं का आशीर्वाद मिला। गांधी ने भारत लौट करके पहले एक साल पूरे देश को समझने के लिए अपने गुरु गोखले के आदेशानुसार चुप्पी रखते हुए अध्ययन में समय लगाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। आज भी जो लोग 2020 के भारत की समस्याओं से व्यथित हैं, दुनिया की चुनौतियों से परेशान हैं, उनको गांधी की इस शैली, इस पद्धति को ध्यान से देखना चाहिए। क्या हम एक साल का समय आज की देश और दुनिया को समझने के लिए बिना बोले, बिना कोई राय बनाए निकाल सकते हैं? एक विद्यार्थी के रूप में अपने को बदल सकते हैं और सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर, आंखों देखी असलियत के आधार पर अपनी दृष्टि बनाने को तैयार हैं? हम में से अधिकांश लोग परिवर्तन के लिए बेचैन हैं, सुधार चाहते हैं, लेकिन एक बने बनाए चौकठे के अंदर सच को देखते हैं। जो अन्य लोगों द्वारा बताया हुआ रास्ता है, पूंजीवाद समर्थक, समाजवाद समर्थक, राष्ट्रवाद समर्थक, हिंदू दृष्टि, मुस्लिम दृष्टि, ईसाई दृष्टि, नहीं, गांधी के जैसा धीरज और खुला दिमाग, खुली निगाह और उसे अपने सच को पहचानना, उसका हम अभ्यास नहीं करना चाहते। शायद ये एक बड़ी प्रासंगिक सीख गांधी की जीवन यात्रा से होगी कि हम जिस समस्या को जानना चाहते हैं उसको सचमुच जानें, दूसरों के बताए तरीकों से, दूसरों की दी दृष्टि से हम सांप और रस्सी के बीच का भेद नहीं कर सकते। हमें खुद समझना पड़ेगा, दुनिया देखनी पड़ेगी, दुनिया को अपनी निगाह से और दुनिया को दुनिया के सच से पहचानना पड़ेगा। दूसरी बात जो 2020 के दुनिया के लिए गांधी की तरफ से आती है वो ये कि हम अपने को सुधारें, दुनिया सुधरने के लिए हमारी सुनवाई करेगी। गांधी ने ये पाया कि मनुष्यों की तमाम अच्छाइयों के ऊपर कुछ बुराइयां विजय पाती हैं। कोई धर्म दुनिया का उन बुराइयों के पक्ष में नहीं है, लेकिन दुनियावी जिंदगी तथा कथित वास्तविकताएं, व्यावहारिकताएं, वो धर्मों के आदेशों का उल्लंघन करके एक अजीब किस्म की दृष्टिहीनता पर आधारित जीवन की तरफ ले जाती है। गांधी ने इस समाधान के लिए, इस समस्या से जीतने के लिए हर मनुष्य के लिए अपने समय में 11 संकल्पों का सुझाव दिया, 11 व्रत की बात कही, एकादश व्रत। ये देखने में सुनने में बहुत सरल और सहज हैं, लेकिन इनको मिला करके आप एक साथ अगर अपने जीवन में उतार लीजिए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी छवि बदल जाएगी, आपका आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई पर जाएगा। क्या है ये 11 व्रत? सच बोलना। कभी किसी ने आपको आज तक न धर्म गुरु ने, न माता पिता ने, न स्कूल में, न विद्यालय में, न पड़ोस में कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि झूठ बोलना अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए कहां कहां से झूठ हमारी जिंदगी में आता है और उसके नतीजे कितने खराब निकलते हैं। ये कहा जाता है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और सच अपने आप में तो अकेला है लेकिन वो स्थिर है, टिकाऊ है और हमारा सहारा बनता है। इसी तरह से अहिंसा, आप कहेंगे मैं तो हिंसक नहीं हूं, लेकिन आप खुद जांचिए, मन, वचन और कर्म, ये तीन पहलू हैं हमारे आचरण के। मन में कितनी हिंसा भरी है जरा पता लगाइए। हमारा वचन
विशेष तौर पर जब हम क्रोध में हों, आवेश में हों, असफलता झेल रहे हों, समस्या झेल रहे हों, कितना हिंसक हो जाता है। छोटे बच्चों तक को हम प्रेम से नहीं समझा पाते तो कहते हैं अभी एक थप्पड़ लगाएंगे दिमाग ठीक हो जाएगा। ये हिंसा का आकर्षण, ये हिंसा का आतंक आपके अंदर भी है और आप दूसरों तक उसको फैलाते भी हैं, टीचर के रूप में, माँ पिता के रूप में, मित्र के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, सहयोगी और पड़ोसी के रूप में। और कर्म की हिंसा वो प्रायः नहीं होती है, लेकिन जब होती है तो अत्यंत विनाशकारी होती है, जो स्त्रियों के खिलाफ पारिवारिक हिंसा से लेकर के राष्ट्रों के खिलाफ हिंसा के रूप में दिखाई पड़ती। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है स्विट्जरलैंड को छोड़ के जिसने अपने जवानों के एक बड़े हिस्से को सैनिकों के रूप में तैयार रखा है। राष्ट्र के रूप में हम हिंसा के लिए तैयार हैं। दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें हिंसा को रोकने के लिए एक अति हिंसक सुशिक्षित पुलिस फोर्स का थाना नहीं है। समाज में भी हम अहिंसा को बनाए रखने के लिए आखिरी हथियार के रूप में शस्त्रों से लैस पुलिस की एक पूरी जमात को तैयार रखते हैं। तो हिंसा का तो प्रशिक्षण है, हिंसा की तैयारी है। घर में भी निजी सुरक्षा के लिए हम धर्म की किताब रखते हों न रखते हों, लेकिन रिवॉल्वर, चाकू, लाठी जैसे हिंसा के शस्त्र रखते ही हैं। तीसरा है सत्य अहिंसा के बाद निर्मलता, ब्रह्मचर्य, चरित्रवान होना, अन्य स्त्री पुरुषों के प्रति वासना से मुक्त होना। कहना बहुत आसान है, करना कितना कठिन है ये हर कोई अपने निजी अनुभवों से बता सकता है, अपने मन में झांक के कह सकता है। इसी तरह से अनासक्ति, संपत्ति की संचय करने की प्रवृत्ति के ऊपर काबू पाना, जितनी बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के आगे संपत्ति का क्या काम, या तो बैंक के खाते में होगा या मुकदमों में फंसेंगे या परिवार में कलह का कारण बनेगा, लेकिन शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो संपत्ति संचय के बारे में एक खुली और या छिपी आसक्ति नहीं रखता हो। गांधी ने अपने को संपत्ति मुक्त बनाया। फिर अभय, निडरता, हम अपनी कमजोरियों से डरते हैं और अपने से शक्तिशाली से तो डरते ही हैं। अभय के लिए अनासक्त होना पड़ेगा, अनासक्त के लिए सत्य अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। फिर धर्म के आधार पर सद्भाव, हम सज्जन जरूर हैं लेकिन अपने धर्म के प्रति आग्रही और अन्य धर्मों के प्रति एक हीनता का भाव, कभी कभी क्रोध का भाव, ईर्ष्या का भाव और घृणा का भाव रखते हैं। जांच के देखिए, हमारा धर्म तो नहीं सिखाता लेकिन जाने अनजाने हम इन बड़ी खराब प्रवृत्तियों के शिकार होते हैं, जो कभी कभी सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा के रूप में राष्ट्र के और समाज के और हमारे जीवन में प्रकट होती है। इसी तरह से छुआछूत की भावना, हर कोई कहेगा कि हम तो नहीं मानते, लेकिन ध्यान दे करके देखिएगा कि हमारी अपनी ज़िंदगी में कितने लोग हमारी जाति के बाहर के अंतरंग मित्र हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी जो सामाजिक स्थिति है उसे नीचे के दर्जे पर बैठे हैं और फिर भी हमारे जीवन में बराबरी का महत्व स्थान रखते हैं, लगभग नहीं के बराबर। क्षमा की भावना, तो गांधी ने 11 व्रतों की बात कही है जिससे हम पहले अपने को बदल सकते हैं, और ये बदलाव एक रात में नहीं आएगा, ये धीरे धीरे रोज रोज करने से बदलेगा, हमको बदलेगा और हमारे आसपास के परिवेश को बदलेगा। इसी के समानांतर गांधी इस बात से सहमत नहीं थे कि हम बदलें तो दुनिया बदलेगी। गांधी मानते थे कि हमको अपने को भी बदलना है और अपने को बदलने के समानांतर ही दुनिया के बदलने के अच्छे प्रयासों से भी जुड़ना है, एक स्वयंसेवक के रूप में, निस्वार्थ भावना से, उसको आप राजनीति भी कह सकते हैं, बशर्ते कि आप उससे कुछ हासिल करने का छिपा भाव न रखते हों, बल्कि उसमें कुछ शामिल करने का, कुछ देने का संकल्प आपका हो। गांधी ने इसीलिए अपने जीवन को एक व्यक्तिगत और सार्वजनिक जैसे दो खानों में नहीं बांटा। उनका व्यक्तिगत जीवन जितना सार्वजनिक था, उनका सार्वजनिक जीवन उतना ही व्यक्तिगत भी था। जिन बातों का वो आवाहन करते थे, जैसे सर्वधर्म समभाव, छुआछूत निवारण, नर नारी समता, संपत्ति से मुक्ति, वो भाषण ही नहीं देते थे अपने जीवन में, अपने आश्रमों में उसको वो आधार भी बनाते थे, और इसके लिए उनको निजी जीवन में बहुत क्लेश का सामना करना पड़ता था, पत्नी से, बहन से, बच्चों से, मित्रों से, और उसका वो
विश्लेषण करते थे, उससे वो अपने आचरण को सुधारते थे और दूसरों को प्रभावित करते थे। तो गांधी के जीवन से 2020 की दुनिया में, 2020 की दुनिया में जो सबसे ज़रूरी सबक है वो ये कि हम अपने आचरण में उन बातों को जीने की कोशिश करें जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं, चाहे पर्यावरण के बारे में, चाहे हिंसा के बारे में, चाहे आर्थिक नव प्रबंध के बारे में, चाहे सामाजिक सद्भाव और शांति के बारे में। अपने जीवन से शुरू करें, उससे दुनिया बदले न बदले, कम से कम हम बदलेंगे, हम बेहतर होंगे। इसीलिए गांधी ने अंग्रेजी राज के लंबे दौर में कहा था कि अगर हमने इन नियमों का पालन किया तो कम से कम अपने ऊपर हमारा काबू हो जाएगा, हम अपने निजी जीवन में स्वराज का सूरज उगा सकेंगे। और दूसरी तरफ गांधी ने यह भी माना कि हर व्यक्ति का नागरिक धर्म भी है, सामाजिक कर्तव्य भी है, कुछ ऋण है समाज के, और वो ऋण उतारने का तरीका है कि समाज के जो बड़े प्रश्न हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको पहचाने और उनको दूर करने के लिए सामुदायिक प्रयास करें। निजी जीवन में अकेली मोमबत्ती की तरह से अंधेरे में जलने की जरूरत तो है, लेकिन अपने प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करना और दूसरों के प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होना, ये भी एक जरूरी समानांतर परस्पर जुड़ी हुई क्रिया है। मतलब सामाजिक जीवन में योगदान, ऐच्छिक योगदान, वॉलंटरी वर्क, जिसको कभी राजनीति का नाम दिया जाता है, कभी समाज सुधार का नाम दिया जाता है, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कहा गया है गांधी की भाषा में, रचनात्मक कार्यक्रम। उसके सामाजिक पक्ष हैं, आर्थिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है और आध्यात्मिक पक्ष है, और ये बदलता रहेगा। गांधी ने अपने समय में 1920-21 में एक सूची बनाई, उसमें मोटे तौर पर चार प्रश्न थे, छुआछूत का सवाल, हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल, गरीबी का सवाल और अंग्रेजी के मुकाबले देशी भाषाओं को आगे लाने का सवाल, भाषा निर्धनता, सांप्रदायिकता और अस्पृश्यता और जातिवाद। धीरे धीरे वो सूची लंबी होती चली गई और 1945 आते आते उन्होंने एक 19 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम दिया, लेकिन ये भी कहा कि अगर कोई सवाल छूट जाता है, जैसे उनकी अपनी सूची में पशुपालन का सवाल छूट गया था, उन्होंने उसको जोड़ा और आज आप अपनी सूची बनाइए, लेकिन समग्र नव निर्माण के लिए आपको योगदान देना है, ये गांधी का सबक है। और उसमें पहली शर्त है कि आप समग्र नव निर्माण के लिए आगे बढ़ते समय अपना भी नव निर्माण करें, क्योंकि हम अगर अपने को बदलने का प्रयोग नहीं करते तो हमारी कथनी और करनी में जो फासला होगा वो दूसरों को प्रेरित नहीं करेगा। दूसरा सवाल है कि क्या गांधी के नेतृत्व की शैली अनूठी थी? आखिर गांधी में ऐसा क्या था कि वो बगैर किसी विचारधारा के, बगैर किसी सुसंगठित कार्यकर्ता आधारित संगठन के, बगैर किसी जाति विशेष या धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष की मदद के, बगैर बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के इतने महत्वपूर्ण जननायक कैसे बने? ये कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी में दो ही दुनिया के लिए महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, एक तो एटम बम का निर्माण जो सर्वनाशी हिंसा का सबसे बड़ा हथियार था, और दूसरे सत्याग्रही गांधी का उभरना जिसने अहिंसक रास्ते से सत्य और प्रेम के बल पर दुनिया को गुलामी, गैर बराबरी और गरीबी से निकलने की राहें दिखाई। तो ऐसे गांधी के नेतृत्व का क्या विशेष गुण था और उसका हमारे लिए क्या कोई आज उपयोग है? अगर आप गांधी की आत्मकथा पढ़ें, और पढ़ने लायक किताब है क्योंकि वो छोटे छोटे अध्यायों में लगभग आधी शताब्दी का वर्णन है, अपने दोषों को पहचानने और उनको दूर करने की कथा है। गांधी बेहद आत्मविश्वास विहीन किशोर थे, अपने परिवार में उनकी माँ उनके पिता की तीसरी पत्नी थी, भाइयों में वो छोटे थे, शरीर से कमजोर थे, लिखावट बेहद खराब थी, गुजराती के अलावा अन्य भाषाओं का ज्ञान सीमित था, कक्षा में अव्वल नहीं आते थे, खेल के मैदान में भी पीछे दुबके हुए रहते थे। ऐसे आत्मविश्वास विहीन व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, उनका विवाह भी 11-12 बरस की उम्र में हो गया, उनकी पत्नी उनसे ज़्यादा मेधावी, उनसे ज़्यादा कुशल, उनसे ज़्यादा सुंदर भी थी, तो विवाह ने भी उनकी आत्मविश्वास विहीनता को बढ़ावा दिया।
पढ़ाई के लिए जब वो निकले, आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते थे, जाना चाहते थे, तो माँ ने विरोध किया, जाति पंचायत ने विरोध किया। माँ से तो उन्होंने 3 कसमों के आधार पर अनुमति पा ली, लेकिन जाति पंचायत ने आखिर तक अनुमति नहीं दी और आदेश दिया कि या तो तुम इंग्लैंड जाने की जिद छोड़ो या तुमको और तुम्हारे पूरे परिवार को जाति से बाहर कर दिया जाएगा। गांधी ने जाति पंचायत की अनदेखी की, जाति से बाहर होने का फैसला बर्दाश्त किया, लेकिन इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जाकर के उनको अपने आत्मविश्वास की वापसी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ उनको फ्रेंच आती नहीं थी। पश्चिमी तौर तरीके सीखने की कोशिश में वो असफल रहे, न फ्रेंच बोल पाए, न डांस सीख पाए, न उनके कपड़े लत्ते सिलाने के बावजूद शक्ल सूरत में कोई ज़्यादा फर्क आया। हाँ, वहाँ जाकर के उन्होंने शाकाहार की महत्ता, प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व और दुनिया के विभिन्न धर्मों के बीच का एकता सूत्र जरूर पहचाना। दुनिया के श्रेष्ठतम कानून संस्थान से कानून की पढ़ाई भी पूरी की, लेकिन जब वो भारत लौटे तो बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, वकालत उनकी चली नहीं। फिर रोजगार के तलाश में दूर दक्षिण अफ्रीका जाने की मजबूरी स्वीकारना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में तो वो रोजी रोटी की तलाश में गए थे, लेकिन 20 बरस में धीरे धीरे करके उनका आत्म साक्षात्कार हुआ, आध्यात्मिक संस्कार हुआ, उनको इस्लाम, ईसाइयत, यहूदी धर्म और हिंदू धर्म की भी नज़दीक से जानकारी मिली। गांधी ने कई शर्मनाक अन्यायों का सामना किया। गाड़ी के डिब्बे से सिर्फ इसलिए रात के अंधेरे में फेंक दिए गए कि वो गोरे रंग के नहीं थे। उनके पास टिकट था, शिक्षा थी, लेकिन रंग उनका गोरा नहीं था, तो डिब्बे में बैठे हुए अन्य गोरे यात्रियों ने ज़बरदस्ती उनको डिब्बे के बाहर फेंक दिया। उनको दक्षिण अफ्रीका के जीवन में कई बार हिंसा का सामना करना पड़ा और अपमान से क्षुब्ध भी हुए, लेकिन उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि इस अपमान का कारण क्या है, और उसमें उनको ये ज्ञात हुआ कि यह रंगभेद के कारण है। इसमें जो अपमान करने वाले हैं उनका उतना दोष नहीं, उनके संस्कारों का दोष है। और उन्होंने पाया कि गोरे लोगों में सब गोरे रंगभेदी नहीं हैं, रंगवादी नहीं हैं, उनकी जान बचाने वाले भी गोरे लोग थे, उनकी मदद करने वाले भी गैर भारतीय लोग थे, गैर हिंदू लोग थे। तो गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सर्वधर्म समभाव और मानवीय एकता का दर्शन किया, और इसमें उनको उनकी पढ़ाई ने, जिज्ञासा ने मदद की। उन्होंने प्रश्न भेजे श्रीमद राजचंद्र जैन चिंतक को, लियो तालस्ताय की रचनाएं उन्होंने पढ़ी, जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट ने तो उनका जीवन ही बदल दिया और उनको सर्वोदय नाम के नए विचार दर्शन का ज्ञान हुआ। और हेनरी डेविड थोरो ने उनको सत्याग्रह की राह दिखाई, जिसमें अन्यायी। और अब अगर हम देखें तो गांधी ने नेता बनने का जो रास्ता बनाया वो था अपनी बुराइयों को पहचान करके उनको बदलने की कोशिश में समाज के साथ जुड़ना, समाज के सहयोग से अपने को मजबूत बनाना, अपनी ताकत से समाज को सुधारना और मजबूत बनाना। ये जो एक दूसरे पर निर्भरता है, व्यक्ति की समाज पर और समाज की व्यक्ति पर, और दोषों को दूर करने के लिए व्यक्ति से शुरू करके समाज तक जाना और समाज में नवनिर्माण के लिए प्रतिरोध की बजाय सहयोग का रास्ता अपनाना, ये गांधी की नेतृत्व शैली का अनूठापन है। और इसीलिए गांधी के अपने जीवन काल में एक गांधी से अनेकों गांधी पैदा हुए, क्योंकि गांधी ने एक पद्धति बनाई, एक राह चली, और इसीलिए गांधीवाद नहीं है, गांधी मार्ग है। जो भी सत्यवादी बनेगा, अहिंसक होगा, कामना और आसक्ति से रहित होगा, संपत्ति मुक्त होगा, अभय होगा, सब धर्मों का सम्मान करना जानेगा, छुआछूत नहीं मानेगा, सत्याग्रह में आस्था रखेगा, वो गांधी जैसा बन सकता है। और इसीलिए गांधी के मारे जाने के बाद, एक दशक बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ईसाई पादरी जो रंग भेद के खिलाफ थे, अफ्रीकी अमरीकी थे, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने गांधी की बनाई राह को पहचाना और रंग भेद से अमरीका के अश्वेत लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए और अमरीका के जनतंत्र को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसको लोगों ने गांधी का अनुकरण माना। मार्टिन लूथर किंग ने
खुद कहा कि जीसस क्राइस्ट से हमको प्रेम और मैत्री का सिद्धांत मिला, लेकिन उसको जीवन में उतारने का रास्ता सत्याग्रह के जरिए गांधी ने सिखाया। और इसीलिए दुनिया में गांधी का फैलता प्रभाव सबसे पहले सुदूर उत्तरी अमेरिका में सामने आता है। हिंदू गांधी का सबसे महत्वपूर्ण अनुयायी एक ईसाई पादरी मार्टिन लूथर किंग बना, और मार्टिन लूथर किंग के प्रभाव से दुनिया चमत्कृत होती रही। तब तक दक्षिण अफ्रीका में हिंसक रास्तों के प्रति अनुराग के कारण 20 बरस तक जेल में बंद रखे गए नेल्सन मंडेला ने भी जेल से बाहर निकलने के बाद अपनी पुरानी दृष्टि बदल करके गांधी के रास्ते को अपनाने का प्रयास किया, और उसको उन्होंने सत्य और पुनर्मिलन ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का रास्ता बताया। मार्टिन लूथर किंग की तरह से ही नेल्सन मंडेला ने भी अपने मिशन में ज़बरदस्त सफलता पाई और अपने जीवन काल में ही दक्षिण अफ्रीका को रंगभेदी शासन व्यवस्था से मुक्त करा करके गोरे कालों के सहयोगी शासन में बदल दिया। दक्षिण अफ्रीका के आगे आज भी कई लड़ाइयां दुनिया में जो न्याय के लिए लड़ी जा रही हैं अहिंसा के बल पर, उस सब के प्रेरणा स्रोत के तौर पर गांधी को कहा जाता है। पूर्वी यूरोप के कई देशों में, खासतौर पर पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में वालेशा और हाविल जैसे लोगों ने, जिन्हें अपने अपने देशों को कम्युनिस्ट तानाशाही से, सरकारी भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का श्रेय मिला, उन्होंने अपने को गांधी का विनम्र अनुयायी बताया। आज विश्व में बौद्ध धर्म और अहिंसा के श्रेष्ठतम शिक्षक के रूप में सर्वमान्य दलाई लामा भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होते समय दुनिया को बताते हैं कि मैं तो एक बौद्ध भिक्षु हूँ जिसके जीवन पर गांधी की बताई बातों का गहरा असर है, मैं अपने को गांधी का एक मामूली अनुयायी मानता हूँ। दुनिया में पिछले कई वर्षों में गांधी की हत्या के बाद से अब तक हर वर्ष जो शांति में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है, प्रायः सभी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित स्त्री पुरुषों ने अपने प्रेरणा स्रोतों में गांधी को गिना है। आज गांधी का रास्ता पर्यावरण आंदोलन के लिए, स्त्री आंदोलन के लिए, रंगभेद विरोधी आंदोलन के लिए, गरीबी उन्मूलन आंदोलन के लिए और नर नारी समता आंदोलन के लिए बहुत ही प्रासंगिक रास्ता है। क्यों? क्योंकि ये सहज रास्ता है। ये चरित्र बल पर, शस्त्र बल पर नहीं, धन बल पर नहीं, वर्ग बल पर नहीं, राष्ट्र बल पर नहीं, अपने चरित्र बल पर समाज को नई राह की तरफ ले चलने का रास्ता है। और इसमें सत्ता की कामना नहीं है, सेवा का बल है। तो सत्ता शक्ति की बजाय सेवा शक्ति, हिंसा की बजाय अहिंसा और प्रचार और भ्रम की बजाय सत्य, ये गांधी के नेतृत्व निर्माण की प्रक्रिया के कुछ अनिवार्य तत्व हैं जो सहज हैं, अनुकरणीय हैं, हर धर्म और संस्कृति में वंदनीय हैं। और इसीलिए अगर आप गांधी से कुछ सीखना चाहते हैं तो नेतृत्व के लिए गांधी के बताए सूत्र आज भी बहुत जगह प्रासंगिक हैं। अब आखिरी बात पर आते हैं कि आज की भारतीय व्यवस्था में गांधी कहाँ हैं। अगर एक व्यवस्था का हम जिक्र करते हैं तो उसके कम से कम चार पहलू तो होते ही हैं, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक आध्यात्मिक व्यवस्था। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में गांधी के सपनों का भारत कहाँ तक है? गांधी ने अंग्रेजों द्वारा विकसित संसदीय प्रजातंत्र को शुरू से ही संदेह की दृष्टि से देखा था, और भारत जैसे देश के लिए तो जो मूलतः 7 लाख गांव का महासंघ है, उन्होंने प्रतिनिधि मूलक चुनाव आधारित व्यवस्था को अव्यावहारिक माना था। काम चलाओ समझौते के तौर पर उन्होंने 1937 से 47 के बीच में संसदीय जनतंत्र के प्रति अपनी सहमति प्रकट की थी, लेकिन उनका मानना था कि हम आज़ादी के बाद लगातार केंद्र से राज्य, राज्य से जिला और जिला से गांव को ताकत देंगे, और गांव की बुनियाद पर खड़ा लोकतंत्र
एक भव्य स्वराज बनाएगा। ये विकेंद्रीकरण का सिद्धांत था, जिसको पंचायती राज और ग्राम स्वराज भी कहा गया। कहाँ है ग्राम स्वराज और कितनी दूर तक हम गए पंचायती राज बनाने में? 1984-85 से 90 के बीच में प्रधानमंत्री बने श्री राजीव गांधी ने संविधान के 73वें-74वें संशोधन के जरिए ग्रामीण और नगरीय जीवन में विकेंद्रीकरण के जरिए स्वराज को नई ऊर्जा देने का प्रयास किया। लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी के लोगों ने और अन्य पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 1990 से 2020 के बीच में विकेंद्रीकरण की बजाय केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। वैश्वीकरण की आड़ में गांव और शहर साधनहीन बने, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से हम संसदीय बहुदलवादी चुनाव आधारित प्रतिनिधि मूलक एक व्यवस्था हैं। गांधी एक सहभागी लोकतंत्र की तलाश में थे, जिसमें विकेंद्रीकरण और परस्पर सहयोग मूल तत्व थे। राजनीतिक दृष्टि से गांव असहाय हैं, शहर बेसहारा हैं, खाली ताकत केंद्र और राज्य सरकारों के पास है, उसमें भी केंद्र के पास ज़्यादा, राज्य सरकारों के पास कम। दलों का बोलबाला है, नागरिक शक्ति का अभाव है और स्वयंसेवी संगठन प्रायः सत्ता व्यवस्था के निशाने पर रहते हैं। नागरिकता निर्माण की दिशा में हमारी प्रगति आधी अधूरी है, क्योंकि हम अस्मिता की राजनीति के दलदल में धंसते जा रहे हैं, जहां नागरिक तत्व की बजाय हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारी भाषा ज़्यादा प्रमुख है, ज़्यादा आकर्षक है, जिसे हमने वोट बैंक की राजनीति के रूप में भी पहचाना है। राजनीति में अपराधियों का और अपराध के राजनीतिकरण का एक नया नशा है और गंदे धन से दल चलते हैं और चुनाव में भी जनशक्ति की बजाय धन शक्ति का बोलबाला है। फिर इस राजनीतिक व्यवस्था में गांधी कहाँ हैं? गांधी हाशिए पर भी नहीं। दूसरा पक्ष है आर्थिक नवनिर्माण का। भारत में पिछले 70 साल में हमने उद्योगीकरण के जरिए और अब बाजारीकरण के जरिए आर्थिक नवनिर्माण का प्रयास किया है। एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर आप कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है और भारत में हर साल खरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन निर्धनता निर्मूलन के सवाल पर आज भी भारत के 130 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोग हाशिए की जिंदगी जीते हैं। उनकी क्रय क्षमता, उनकी आमदनी बेहद दयनीय है। पढ़ाई, दवाई और कमाई के मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था नाकाबिल सी दिखती है। अभी कोरोना संकट में हमने पाया कि करोड़ों लोग रातों रात बेरोजगार हो गए। बरसों से विभिन्न शहरों में रह रहे लोग उखड़ गए, अपनी इज्जत और पेट की आग बुझाने के लिए पुश्तैनी गांव की तरफ लौटे। वहां भी कुछ दिन ठहरने के बाद भूख और बेकारी ने आतंकित करके वापस अलग अलग शहरों में भटकने को मजबूर कर दिया। करोड़ों लोग आज आज़ादी के 70 साल बाद न घर के हैं न घाट के हैं। ये लाचारी गांधी के बताए रास्ते पर न चलने की एक पहचान है। हमने यूरोप और अमेरिका जैसा उद्योगीकरण किया, पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजी को सहारा बनाया, इसलिए श्रम प्रधान भारत और उसका पूंजी प्रधान आर्थिक नवनिर्माण का रास्ता टकराना ही था, टकरा रहा है। खेती घाटे का धंधा है और खेती सबसे बड़ा रोजगार का आधार है। ग्राम स्वराज आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से उपेक्षित है और नगरों में भी स्वराज की बजाय पैसे का जोर है और आर्थिक प्रबंध ने हमारे पर्यावरण को तहस नहस कर दिया है। जल, जंगल, जमीन और वायु का प्रदूषण चारों तरफ से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। भारत के महानगर दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरों में गिने जाते हैं। फिर गांधी की आर्थिक नवरचना की योजना और हमारी सच्चाई में क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं। तीसरी बात सामाजिक स्वराज की है। इसका मतलब गांधी के शब्दों में हिंदू मुस्लिम की एकता था, दलितों के साथ भेदभाव का खात्मा था, जाति विहीन मैत्री और संबंधों का संसार था और स्त्रियों पर से पुरुषों के वर्चस्व का खात्मा था।
आदिवासियों को अपनी अस्मिता के साथ भारत के राष्ट्र निर्माण से जुड़ने का अवसर था। आज हिंदू मुस्लिम संबंधों की क्या दशा है? आपस में अविश्वास, दूरियां, घबराहट, कुछ माने में नफरत और बेहद नाराजगी हिंदू की मुसलमान से, मुसलमान की हिंदू से, और इसमें आग में घी डालने का काम हर चुनाव करता रहा है। मुसलमान होने की तकलीफ मुसलमान जानता है और हिंदू होने की कुंठा हिंदू जानता है, और उनके बीच में मैत्री का भाव, संवाद का भाव, एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर का भाव बढ़ाने वाला कोई नहीं है, कोई दल नहीं है, ना गांधी का बनाया कांग्रेस, ना गांधी के विरोधी अन्य दल। दलितों की क्या दशा है? उनको दलित होने का कोई आत्मविश्वास नहीं है। हाँ, पढ़ाई में, सरकारी नौकरियों में और विधानमंडल में चीजें, जगहें आरक्षित हैं आदिवासियों के लिए और दलित जातियों के लिए, लेकिन उससे एक पतली सी परत मुखर, आत्मविश्वासी और सक्रिय दलितों और आदिवासी नेताओं की बन गई है। लेकिन वो अपने आचरण में दलित नहीं रह गए, आदिवासी नहीं रह गए, वो अपने से ऊपर की जातियों के अनुकर्ता बन गए, उनके साथ सत्ता की साझेदारी में बेचैन है। और अभी भी लाखों लोग, कई लाख लोग मनुष्य होने के बावजूद मनुष्य का मैला उठा करके अपनी रोटी कमा रहे हैं, सिर पर मैला ढो रहे हैं। और ग्रामीण दलितों में निरक्षरता और निर्धनता दोनों का बराबर का आतंक है। भारत के सर्वाधिक निरक्षर लोगों में दलित और आदिवासी स्त्रियों की बहुतायत है। कैसा स्वराज है जिसमें दलित निरक्षर और निर्धनता के आतंक से बाहर नहीं निकला, अपमान और अभाव की जिंदगी में फंसा हुआ है, बेरोजगारी और जगह जगह भटकते हुए अपने को किसी तरह से जिंदा रखने की विवशता में कैद है? ये तो गांधी का सामाजिक स्वराज का सपना नहीं हुआ। स्त्रियों के बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर पखवाड़े में देश के किसी न किसी हिस्से से किसी स्त्री के साथ अत्याचार की कहानी से देश सिहर जाता है। और तमाम प्रयासों के बाद बने महिला आयोग, दलित आयोग, अल्पसंख्यक आयोग तो हैं, उसकी शोभा भी है, लेकिन उसकी भूमिका व्यवस्था परिवर्तन की कम, व्यवस्था संचालन की ज़्यादा है। तो स्त्री की दृष्टि से, दलित की दृष्टि से, आदिवासी की दृष्टि से, अल्पसंख्यकों की दृष्टि से, और फिर सबसे ज़्यादा गरीबों और गाँव की दृष्टि से भारत का स्वराज गांधी के सपनों के भारत से बहुत दूर है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो हमारे जीवन में भौतिकता का, बाजार का ज़्यादा असर है। हम अपने अपने धर्मों के 30 त्यौहार मनाने तक ही हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होते हैं। हमारे जीवन में बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, शंकर, ईसा, मोहम्मद, नानक, इनकी शिक्षा का ज़्यादा असर नहीं है। इनके सात्विक प्रभावों से हम अभी भी बहुत दूर हैं। और गांधी जैसा सर्वधर्म समभाव की प्रार्थना करने वाला, आचरण करने वाला शायद ही कोई सार्वजनिक जीवन में बचा हो। तो इस समय अगर हमको अपने राजनीतिक नवनिर्माण की चिंता है, आर्थिक स्वावलंबन की तलाश है, सामाजिक सौहार्द और शांति की आशा है और आध्यात्मिक नवनिर्माण और नव जागरण की जरूरत है, तो उपलब्ध संभावनाओं में गांधी भी एक संभावना है, ऐसा मानने में हमको एतराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि गांधी ने तो गुलामी के दौर में, अशिक्षा के दौर में, आतंक के दौर में, नवनिर्माण में देश को जुटाया, देश को निर्भय बना करके, सत्याग्रही बना करके आज़ादी के दरवाजे तक पहुँचाया। आज़ादी संभालना, आज़ादी पाने से आज ज़्यादा कठिन लग रहा है। क्यों? क्योंकि गांधी की बनाई राह अब दिखाई नहीं पड़ती, उस पर चलने वाले कम लोग हैं, और जो दूसरी दिशा में जा रहे हैं उनको अपनी मंजिल नहीं दिखाई पड़ रही। भारतीय राष्ट्रीय एकता पर खतरा है, भारतीय स्वराज संकट में है, भारतीय समाज गहरे अंतर्विरोधों में फंस गया है। आइए आज 2 अक्टूबर 2020 को हम देखें कि हमारे पास जो सवालों की सूची है उसका समाधान देने में कौन कौन मददगार हो सकते हैं, और फिर मिलाएं कि गांधी के सामने जो सवाल थे उनमें से कितने सवाल हैं जो आज फिर जिंदा हो रहे हैं, और क्या
गांधी के बताए रास्ते पर चल के अगर हमने अंग्रेजी राज के ज़माने में अभाव और अज्ञान के ज़माने में इतना कुछ हासिल किया कि देश स्वराजी बन सका, आज़ादी मिल गई और हमारा आत्मविश्वास लौटा, तो क्या आने वाले समय के लिए 2020 के आगे की दुनिया के लिए गांधी मार्ग से कुछ आशा की जा सकती है? कम से कम यह प्रश्न विचारणीय तो है ही, और इसी प्रश्न को सामने रख करके मैं आपसे आग्रह करूंगा कि गांधी को देखें, गांधी को पढ़ें और गांधी के बारे में जो प्रचार है भक्तों द्वारा और उनके निंदकों द्वारा, उन दोनों से ऊपर उठ करके अपनी दृष्टि से गांधी को देखें, समझें और उस मार्ग के बारे में फिर से एक जिज्ञासा भाव से, आराधना भाव से नहीं, जिज्ञासा भाव से कुछ पहल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।